महाराष्ट्र के बीड जिला के विधायक भाजपा विधायक सुरेश धस ने कल एक सार्वजनिक आयोजन में बिहार की महिलाओं के ऊपर बहुत ही गंदा आक्षेप लगाया है, जिसका हम उत्तर भारतीय समाज के लोग निषेध करते हैं। और मैं विनय दुबे, अध्यक्ष उत्तर भारतीय महापंचायत, ये घोषणा करता हूँ कि जो भी व्यक्ति इस विधायक के मुँह पर एक जूता मारेगा उसको 11,000 रुपये का नगद इनाम मैं दूंगा, ये आज मैं घोषित करता हूँ। इसके साथ ही महाराष्ट्र शासन से मैं निवेदन करता हूँ कि इस विधायक के ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। महिला आयोग से मैं निवेदन करूँगा कि इसके ऊपर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए इस विधायक के ऊपर कार्रवाई की जाए। अगर अगले 2 दिन के अंदर कोई ठोस कार्रवाई इस विधायक के ऊपर नहीं होती है तो मैं विनय दुबे उत्तर भारतीय महापंचायत की अध्यक्षता में भाजपा के मुंबई के मुख्य कार्यालय के बाहर एक विराट मोर्चा निकालूंगा, जिसमें इस विधायक को निलंबित करने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। मैं भाजपा के उन तमाम उत्तर भारतीय नेताओं से पूछना चाहता हूं, जिस घर की महिलाओं के बारे में ये इतना गंदा आरोप ये सुरेश धस लगा रहा है, आप लोग का मुंह बंद क्यों है अभी तक? क्या आप सिर्फ वोट लेने के लिए ही उत्तर भारतीयों के दरवाजों पर माथा टेकते हैं कि उनके सम्मान के लिए भी कुछ बोलेंगे? मैं तमाम उनके राष्ट्रीय प्रवक्ताओं से, तमाम उत्तर भारतीय नेताओं से ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अभी तक अपना मुंह क्यों नहीं खोला है? क्या आपका मुंह सिर्फ दूसरे पार्टियों के जो लोग हैं उनके कटाक्षों पे ही खुलता है कि अपने विधायकों पे भी आप ये खोलेंगे? इसका ये साफ साफ मतलब है ये सिर्फ आप लोग वोट की राजनीति के लिए उत्तर भारतीयों के दरवाजों पर आते हैं। उत्तर भारतीय महिला के लिए, बिहार की महिला के लिए इतने गंदे आरोप लगाने के बाद भी आप लोगों का मुँह बंद है, ये दिखाता है आपका कितना उत्तर भारतीय प्रेम है। आप भले दोगलापन कर सकते हैं लेकिन हम नहीं करेंगे, हम पूरा इसका विरोध करेंगे। और अगर 2 दिन में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस विधायक के ऊपर कार्रवाई नहीं की, प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हुई, तो उत्तर भारतीय महापंचायत भाजपा के कार्यालय के बाहर, इनके मुख्य कार्यालय के बाहर विराट मोर्चा और इस विधायक का पुतला दहन करेगा, ये मैं घोषणा करता हूँ।